इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, बड़ी न्यूज आपको देते हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया है, होप करते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी की। आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, और इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जाके खेला था। इस अपने पॉइंट को याद रखना है, पाकिस्तान ने इंडिया में वर्ल्ड कप खेला था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला था, ये चीज को आपने याद रखना है। और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। इंडियन टीम पिछले 15-16 सालों से पाकिस्तान कभी नहीं गई है, तो बीइंग अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत सरकार में मंत्री, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है कि क्या हमें इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हुई नजर आएगी कि नहीं? देखिए, बीसीसीआई को तय करना है कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे, हमें क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं, और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। अगर फर्ज करें आपके बकौल पाकिस्तान दहशतगर्द वहां भेजता है, तो क्या जो बाकी क्रिकेट हो रही है आईसीसी इवेंट्स में आप क्यों खेलते हैं? इंडियन गवर्नमेंट अगर बीसीसीआई को कहती है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना, बीसीसीआई नहीं जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई अगर नहीं जाता तो वो पीनलाइज तो नहीं हो पाए। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबलज वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले साल नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब है। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी, उसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। आप अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। इंडिया आएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि इंडिया टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, तो भाई साहब जवाब है गेट आउट। क्या गेट आउट? ना आए, आपकी जरूरत नहीं है हमें, हम आपके पांव नहीं पड़ेंगे, हम आपको मिन्नतें नहीं करेंगे, जैसे आप लोगों ने आईसीसी के पांव पकड़े हुए हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ दहशतगर्द भी हमारे पास भेजे, हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ भी करे, और हमारे साथ क्रिकेट मैचेस खेलने का ऐलान भी करे या ख्वाहिश भी रखे, ये नहीं हो सकता। तो ये उनका एक बार फिर वाज़े मौक़िफ़ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाज़े मौक़िफ़ है तो वाज़े मौक़िफ़ रखें। क्या अगर फ़र्ज करें आपके बकौल पाकिस्तान दहशतगर्द वहाँ भेजता है, तो क्या जो बाकी क्रिकेट हो रही है आईसीसी इवेंट्स में आप क्यों खेलते हैं, और एशिया कप में आप क्यों खेलते हैं, और आपके जो बाकी खेल हैं हॉकी है या उसमें क्यों खेलते हैं? इवन के आपके बाकी खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही होती हैं और उसमें कोई मसला नहीं है, मसला क्रिकेट में है। मसला क्रिकेट में इसलिए है कि भारतीय बोर्ड या भारतीय हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का फ़ायदा ना हो, कि पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया जा सकता है वो दिया जाए। बात सिंपल है, ये बाकी की बैंकी ऐं बैंश हैं, ये ऐसी है। अगर भाई आपका ठोस मौक़िफ़ है तो आपको ये करना चाहिए था कि वर्ल्ड कप 2023 में आप खुद कहते कि जी हम पाकिस्तान टीम को यहाँ नहीं आने दे सकते, वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं, लेकिन वहाँ आपने आने दिया, बल्कि लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान टीम को राज़ी किया जाए, आईसीसी को कहा, और उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात की। एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है, दूसरी तरफ ये है, जहाँ आपका अपना फ़ायदा है वहाँ ओके, जहाँ फ़ायदा नहीं है तो दहशतगर्दी। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अब समझदार हो जाना चाहिए भारतीय हुकूमत को भी, कि दुनिया इसको देख रही है, आप अपने तरफ से जो कह रहे हैं वो अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो तजियाकार हैं, जो गैर जानबदार तजियाकार हैं, वो वाज़े तौर पर समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल सियासी खेल खेल रहे हैं, पॉलिटिकली आप इस चीज़ को उठा रहे हैं। दरहकीकत ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आप पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने पर ही एतराज़ कर देते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आपने एशिया कप भी खेला, आप T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन मसला आता है आपको सिर्फ पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलने में। और अगर भारतीय टीम यहाँ आ जाती है और पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इनका उसी अंदाज में होता है जिस तरह नॉर्मल में होता है, अंदाज में हालात में होता है,
तो फिर जाहिर सी बात है कि ये बीसीसीआई को बर्दाश्त नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। एक भारत में एक इवेंट हुआ वहां पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विव है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है तो आपका आप चूंकि बीसीसीआई के भी सदर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि टीम को जाना चाहिए पाकिस्तान में? तो अनुराग ठाकुर ने बहुत ही आप कह सकते हैं कि हार्श स्टेटमेंट दी और वही एक टिपिकल स्टेटमेंट जो आती है उधर से अक्सर आती है कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजना और ना ही भेजना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर उनकी अपनी पर्सनल राय लेनी है तो पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी चाहिए बीसीसीआई को, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। और फिर वहां पे पब्लिक भी बैठी थी तो उन्होंने पूछा कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप जनता से भी पूछ रहे हैं, फिर जनता को पूछ रहे हैं, आप बताएं, तो एक शोर सा सुनाई देता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भेजनी चाहिए। तो ये एक माहौल बना हुआ है वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भारत ने पाकिस्तान टीम भेजनी या नहीं भेजनी, अगरचे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हैं और उनका ये कह देना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जाहिर तय है कि भारत इनकार जो करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को पाकिस्तान ना भेजने का, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा, वो आईसीसी से करेगा, क्योंकि बेसिकली ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान जस्ट एक होस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को सिर्फ इंतजाम संभालने, बाकी सब कंट्रोल आईसीसी के पास होगा। इवेंट में क्या कुछ होना है क्या कुछ नहीं होना वो सब आईसीसी ने करना है, पाकिस्तान ने जस्ट मेजबानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देने हैं। सनी फैंस को डर लगता है वो ये है कि भारत अगर नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं हो कि पाकिस्तान अपने सारे मैच यहां पे खेले और मेन इवेंट लाइक फाइनल और बड़े बड़े इवेंट जो बाहर हो लाइक यूएई में या किसी और कंट्री में, बांग्लादेश वगैरह में हो, जैसा हमारे साथ एशिया कप में हुआ है। और दूसरी खास बात, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो साफ है कि उसके बाद भारत ने दो बड़े इवेंट कराने जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है, तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगा? क्योंकि आईसीसी के सामने एक मिसाल बन जाएगी कि एक टीम नहीं आई पाकिस्तान, वो आईसीसी के इवेंट में ही नहीं आई है, तो फिर पाकिस्तान क्या, फिर पाकिस्तान भी एक बड़े स्टेप लेने जाएगा अथवा। मगर अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट है, जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं, और वो एक टिपिकल वर्ड्स हैं जो हमेशा उनकी उनके सियासतदान जो है वो यूज करते हैं पाकिस्तान को लेकर, सेम वही वर्ड्स उन्होंने भी यूज किए हैं कि पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ये करता है वो करता है, फिर हम अपनी टीम को पाकिस्तान क्यों भेजें। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम में, बीजेपी के बड़े लीडर्स में से एक हैं, फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक शो में, एक एंकर ने उनसे डायरेक्ट ये सवाल किया कि 2025 में क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब खेलने, तो अनुराग ठाकुर का जवाब ये था कि नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग, उन्होंने ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इस चीज़ का डिसीजन जाना है नहीं जाना वो डाल दिया है बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई फैसला करेगी, अपना उन्होंने जो एक ज़ाती ओपिनियन उन्होंने ये दिया कि नहीं जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट अगर बीसीसीआई को कहती है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना, बीसीसीआई नहीं जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई अगर नहीं जाता तो वो पीनलाइज तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आईसीसी ने तो आईसीसी के तो रूल्स के अंडर है कि ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो अगर बीसीसीआई साफ कहेगा भैया हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही हम क्या करें, तो आईसीसी पीनलाइज नहीं कर सकता बीसीसीआई को, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई और आईसीसी जुगाड़ निकाल ले वो एक अलग चीज़ है, वो भी उनके रूल्स में है, जैसे ये एशिया कप आपके सामने है जो अभी प्रीवियसली हुआ है, होना सारा पाकिस्तान में था, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, वो फिर आपको पता है वो उसका एक मैच कहाँ पर हुआ, एक मैच कहाँ पर हुआ, यू नो पाकिस्तान की एक टांग मुल्तान में थी दूसरी कोलंबो में थी, तो या तो हाइब्रिड मॉड्यूल होगा अगर नहीं आता इंडिया, लेट्स सी पॉसिबल है, हो सकता है इंडिया के मैचेस सारे यूएई के अंदर हो या श्रीलंका के अंदर हो या एक्स वाई जी किसी भी और मुल्क में, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने भी खेलना है वो सारे पहले उधर यूएई जाएंगे या श्रीलंका जाएंगे इंडिया के अगेंस्ट खेलने, एक ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स या वो जो एक बिटरल कड़वे किस्म के ताल्लुकात हैं तो वो तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी है ना, मतलब इंडिया कह रहा है कि ये मसाइल है, पाकिस्तान कह रहा है ये मसाइल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 2023 में गई
इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने सेक्रेटरी हैं अनुराग ठाकुर साहब, और करंट बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए तो एक आम मिनिस्टर के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में डायरेक्टली ये कहा है कि जनाब जब तक पाकिस्तान जो भारत के अंदर एक्टिविटीज कर रहा है वो बंद नहीं करता तो तब तक भारत जो है उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद अगेन जनाब एक कंट्रोवर्सी डेवलप होती हुई नजर आ रही है जिसके मुताबिक भारतीय मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने मुल्क से बाहर जनाब मूव करवाने पर। अब हुआ होता कि वैभव जो रिपोर्टर है न्यूज 24 के, उनका एक शो चल रहा था जिसके अंदर अनुराग ठाकुर जो कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बीसीसीआई से भी उनके अच्छे जिसे कहते हैं ना आप कह सकते हैं ताल्लुकात है, उनसे सवाल किया गया कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया भी है, क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो चीज सारी बीसीसीआई पे डिपेंड करती है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा, हालांकि बीसीसीआई कहती है, जय शाह कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उन्होंने कहा बीसीसीआई का फैसला है, लेकिन उन्होंने ये साथ कहा कि मेरा ये मानना है कि हम क्या आप चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में जाके आतंकवाद को प्रमोट करे, मतलब कि टेररिज्म को प्रमोट करे पाकिस्तान में जाके? उनका ये मानना है कि जब पाकिस्तान टेररिज्म को छोड़ देगा, आतंकवाद को छोड़ देगा, इंडिया के अंदर आतंकवाद करना छोड़ देगा, तब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी होंगे, सीरीज भी होगी। सवाल ये मेरा सिर्फ है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के साथ मैच क्यों खेला? फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्यों बुलाया? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए बुलाते ही ना। ये जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब पाकिस्तान को आप लोगों ने वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया, पाकिस्तान के साथ खेल भी लिया, आगे भी दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, या तो अगर इतना ही जिसको कहते हैं ना आपका सॉलिड स्टैंड है तो फिर आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना। अब इल्जाम लगाना टेररिज्म का वो भी पाकिस्तान के ऊपर, ये इंतहाई गलत है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पाकिस्तान ये चीजें खत्म कर देगा, इस चीज को सही कर लेगा, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो आपस में बहाल हो जाएगी, और ये सारे के सारे जो फैसले हैं ना ये बीसीसीआई डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बता दिया। सवाल के अंदर ये भी था कि इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं, तो इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो अब आपको इस चीज को मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन चल रहे हैं, तो अगर वो ये कहते थे कि बिल्कुल जी इंडिया की टीम पाकिस्तान में जाके खेलेगी तो उनके वोट बैंक पे काफी ज्यादा असर हो रहा था, उनके जो वोटर्स है ना वो जिसको कहते हैं ना काफी ज्यादा कम हो जाने से, तो उन्होंने अपने इलेक्शन के लिहाज से भी उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज बोली ताकि लोगों में और जुनून आए और लोग उनके साथ जो खड़े हैं वो और शिद्दत के साथ खड़े हो। फैलाने वाले बंदे किसी और को कंट्री को नीचा दिखाने वाले लोग है ना ये, तो भाई साहब आप ना आओ, आपकी जगह पे श्रीलंका आ जाएगी, श्रीलंका का भला हो जाएगा, इंग्लैंड दुनिया की सुपर पावर कंट्री है वो, ऑस्ट्रेलिया सुपर पावर कंट्री है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, बड़ी बड़ी टीमें दुनिया की आई है पाकिस्तान, उनको कोई मसला नहीं है, आई है इज्जत के साथ क्रिकेट खेला है उन्होंने, पीएसएल भी हुए और वापस चले गए, लेकिन नहीं आए तो ये फसादी बंदे नहीं आए। मैं इंडिया क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, प्लेयर से मुझे मोहब्बत है, इंडिया के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कहोगे ना आने का वो एक दिन पहले भी आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये सारा बीसीसीआई के और इस अनुराग ठाकुर ने कहा है। भाई साहब पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना दुनिया में फेमस होने का अच्छा बहाना तुम लोगों ने ढूंढ लिया है, तो आईसीसी के पांव दोबारा जाके पकड़ो, कोशिश करो, क्या पता चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो जाए, क्या पता तुम्हारी टीम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाए, या फिर डर के मारे भाग रहे हो ना, 2017 वाला सीन, 2017 वाला भयानक सपना अभी तक भूले नहीं हो, जब भी चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र होता है 2017 का चैंपियन ट्रॉफी तुम लोगों को याद आ जाता है, वो बुमराह का नो बॉल याद आता है, वो फखर जमान के लंबे लंबे छक्के जो ना इंग्लैंड से मार रहा था वो दुबई अपना दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, क्या नाम है नरेंद्र मोदी के स्टेडियम तक वो छक्के गिर रहे थे, हाँ फखर जमान के, फिर मोहम्मद जो है ना हफीज की जो सॉरी मोहम्मद आमिर का जो खतरनाक स्पेल था, यहाँ तक रोने का आवाज आ रहा था, कमर तोड़ के रख दी थी इंडिया की मोहम्मद आमिर ने, सोच रहे हैं कि वो वाली कहानी दोबारा ना आ जाए, क्योंकि बड़े मैचों में हमेशा पाकिस्तान जो है कि इंडिया को हरा देता है और फिर हमें दोबारा रोना पड़ जाएगा इसी चैंपियन ट्रॉफी के फॉर्मेट में। इससे अच्छा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी ना खेलें तो ही हमारे लिए ये मतलब बेहतर हो सकता है। तो मुझे एक बात का जवाब दो इंडिया वालों,
क्या बीसीसीआई आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान को गिराना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करना चाहता है? वो जो जाहिर सी बात है, हर किसी को इस चीज का इलम है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड फसादी क्रिकेट बोर्ड है। हाँ, ये पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचा दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेल लेना चाहिए? कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? हमारी औकात ये, आपने ग्राउंड देखे हमारे, हमारे पीएसएल में ग्राउंड ऐसे, वहाँ पर चेयर ऐसे रखी हुई है जो विलीमे में होती हैं, उन पर उनको कपड़े चढ़े होते हैं। भाई इंडिया जैसे, इंडिया का एक लेवल है, वो पाकिस्तान में आकर खेले, पाँव भी पड़ जाओ इंडिया की टीम के, बीसीसीआई के पाँव भी पड़ जाओ, आपको पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, उनको लाओ पाकिस्तान में, हमारी क्रिकेट उठेगी। यार यार इंडिया टीम जिस टाइम भी पाकिस्तान में आएगी ना, दुल्हन की तरह पाकिस्तान सजाया जाएगा। अगर इंडिया ना आया पाकिस्तान खेलने तो भाई हम मर जाएंगे कसम से। यार मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि भाई विराट कोहली पाकिस्तान में आए। यार आपको हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो है विराट कोहली के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे और विराट कोहली के फैंस देखने को मिलेंगे। एक मरतबा यार किंग कोहली पाकिस्तान आओ तो सही यार, प्लीज यार आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग करी है कि जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, मैं भी इंडिया इसमें ना खेलने आई। आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेल लेना चाहिए? कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? हमारी औकात ये, आपने ग्राउंड देखे हमारे, हमारे पीएसएल में ग्राउंड ऐसे, वहाँ पर चेयर ऐसे रखी हुई है जो विलीमे में होती है, उन पर उनको कपड़े चढ़े होते हैं। भाई इंडिया जैसे, इंडिया का एक लेवल है, वो पाकिस्तान में आकर खेले। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि यार जिस तरह आपने हमारा पाकिस्तान का वेलकम किया, इतनी बड़ी मेहमान नवाजी किया, तो हमें भी मौका दो यार। हम इधर से जाके बैठे हुए हैं कि विराट कोहली आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, ये ज्यादती है यार। वन साइड मतलब मेहमान नवाजी किया आपने, अपनी इतनी इज्जत दी, हेलीकॉप्टरों पर हमारे प्लेयरों को घुमाया, गोया हम उतना कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत हम भी करेंगे यार। एक बार तुम मौका देकर देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट दफन हो चुकी है, आपके आने से पाकिस्तान क्रिकेट में जान डल जाएगी। यार पाकिस्तानी अवाम मैंने देखा बेतबी से इंतजार कर भाई, मैं तो जब से चैंपियन ट्रॉफी का मैंने सुना है कि चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान में होने जाने, मैं तब से उम्मीदें लगा के बैठा हूँ कि अब इंडिया आएगा, अब आएगा, क्योंकि आईसीसी की इवेंट है। अब फिर से यार ये ज्यादती है यार, ज्यादती है। मैं सच में इंडिया क्रिकेट का बहुत फैन हूं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में ना, मैंने बैन कर देना है, बॉयकॉट कर देना है इंडिया क्रिकेट का। बिल्कुल यार ये बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा स्टेडियम सारा विराट कोहली इंडिया की टीम के बैनर से भर जाएगा। यार अब मुझे 2008 वाले वो चीजें याद आ रही हैं, जब इंडिया आया करता था, पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती, जब से यार उन्होंने छोड़ा पाकिस्तान की टीम तो रोड पे आ गई यार। मतलब ये ज्यादती है, टोटली ज्यादती। अब पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, अब क्रिकेट पे देखो यार, कितनी फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की पाकिस्तान में, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इंडिया की टीम को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और पाकिस्तान इतने बड़े खुश हैं कि इंडिया आएगा पाकिस्तान में। ऊपर से यार ये चीजें मैं दिल से अगर कहूँ तो इंडिया की टीम भी चाहती है कि वो आए, कि थोड़े से पॉलिटिकल ऊपर से हमारे जो है ना पॉलिटिकल, वो सबसे पहले जल्दी पे तेल वाला काम करते हैं। अब जिस तरह जावेद ने स्टेटमेंट दी है, पहले जी हमारे चेयरमैन ने ऐसे स्टेटमेंट दी थी, यार ऐसा काम करो, आप पाँव भी पड़ जाओ इंडिया की टीम के, बीसीसीआई के पाँव भी पड़ जाओ, आपको पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, उनको लाओ पाकिस्तान में, हमारी क्रिकेट उठेगी यार, क्रिकेट उठेगी यार, रेवेन्यू बढ़ेगा, आपको पता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होगा। बहुत सारी आवाम भी चाहती है कि जो कि 2007-08 से विराट कोहली रोहित शर्मा को देखते आ रहे हैं, एक दफा लाइव तो देखे हैं, वो खेलते कैसे, दिखते कैसे, सीना चीर के दिखा दे, सीना चाक करके दिखा देंगे हम कितनी मोहब्बत करते हैं यार। कुछ हमारे फैंस का भी देख लो, हम तो नहीं है ना पॉलिटिकल, हमें तो क्रिकेट से लाभ है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इंडिया के प्लेयर जो हैं वो लाहौर में आए, विराट कोहली जो है किदाफी स्टेडियम पे हमें छक्के मारते हुए देखे, बेशक पाकिस्तान को ही मारो छक्के, आप हारिस रऊफ को दोबारा वही छक्के मारो, लेकिन पाकिस्तान में आके मारो, हम लाइव देखना चाहते हैं। बाबर के कम नारे लगेंगे, विराट के ज्यादा लग जाएंगे भाई आके तो देखे। मैं कहता हूँ पूरा स्टेडियम जो है वो इंडिया की शर्ट पहन के ना जाए तो फिर कहना है, क्योंकि यार इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और हम वैसे भी मेहमान नवाज हैं। ये बड़ी सैड न्यूज है कि अगर ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आती और पाकिस्तान जैसे कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती भी है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया अपने कहीं और मैचेस खेलता, तो ये बड़ा जैसे कहते हैं ना अफसरदा चीज होगी पाकिस्तान के लिए। अलबत्ता मैं इस चीज से खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा जैसे कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट हुई उनकी इस स्टेटमेंट से। अब लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होता है, इलेक्शन के बाद नरमी आती है या नहीं आती, और आईसीसी का इसके अंदर रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा अब ये देखना बाकी है। एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज, क्या करना चाहिए इस वक्त? इसी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मेरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2025, पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू होस्ट द 2025 एडिशन। रिपोर्ट्स से द मैचेस कुड नाउ टेक प्लेस इन यूएई और इन सम अदर कंट्री और एज अ हाइब्रिड मॉडल। भारत नहीं आता तो मुझे ये लगता है कि इवेंट फिर पाकिस्तान में होगा नहीं, हाइब्रिड मोड के ऊपर होगा और शायद भारत के मैचेस यूएई में हो, फिर पाकिस्तान एज ए होस्ट अपने मैच खेलने भी यूएई जाए। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाए, आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।